आईडियो पर नहीं लगे। आज आप विरोध कर रहे थे, क्या मांग आप लोगों की, क्या शिकायत है, क्या बताइए? तो ये यहाँ पे हिंदू कॉलेज में एक्चुअली बहुत साल से एक ट्रेडिशन माना जाता है, वर्जिन ट्री नाम का एक पेड़ इन्होंने बनाया है, जो पेड़ की कोई गलती नहीं है। इन लोगों ने साल भर साल वहाँ पे कॉन्डम रखा है, कॉन्डम की भी कोई परेशानी नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो औरतों की फोटो चिपकाते हैं और वहाँ पे उनको दमदमी माई का दर्जा दे के उनकी पूजा करते हैं, तो वो पूजा नहीं है, वो बेसिकली शेमिंग है इस तरीके का, और बहुत साल से चलता आ रहा है। और ये सारे जितने भी मीडिया हाउसेस हैं बहुत उनका हवा बनाते हैं, डेली टाइम्स के फ्रंट पेज में हर साल होता है कि कैंपस कल्चर कैसा होता है, और कैंपस कल्चर का मतलब इनको लगता है कि ये वर्जिन ट्री की पूजा हमारा कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे आज आए थे कि हम यहाँ का कैंपस का कल्चर बदलेंगे, जो महिला विरोधी इनकी रीति रिवाज है उनको चैलेंज करेंगे और अपने मतलब अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और ये सारे जितने भी ट्रेडिशन है उनको भंग करेंगे। कौन लोग थे जो आज पूजा कर रहे थे, किस किस कॉलेज से आप यहाँ आए हैं? हम लोग बहुत अलग अलग कॉलेज से आए हैं, यहाँ पे जो कॉमन स्टूडेंट है बॉयज हॉस्टल के प्रेसिडेंट वो पुजारी बनते हैं, जनेऊ बकायदा पहन के आरती उतारते हैं दमदमी माई की पूजा करने के लिए, और एबीवीपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, बहुत सारे आइडियोलॉजी के हिंदू बॉयज हॉस्टल के जो तो आज भी लोग कुछ किया उन्होंने ऐसा? हाँ, वो कल रात को आए थे यहाँ पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम कल रात को आएंगे, पर कल रात को हमने एक विक्ट्री मार्च निकाली थी मिरांडा हॉस्टल से, क्योंकि उनका कर्फ्यू एक्सटेंड हुआ है, 8:30 से 10:30 बनाया गया था, तो हम यहाँ पे कल रात को आए और इनकी जो प्लान्स थे ये वर्जिन ट्री पूजा करने के उसको भंग करा, और कल रात हिंदू हॉस्टल की विमेन ने अपने हॉस्टल गेट के ताले तोड़ के कर्फ्यू डिफाई करके वर्जिन ट्री की जगह पे गए और नारे लगाए और उन लड़कों को चुनौती दी कि अब हम ये सारे महिला विरोधी ट्रेडिशन नहीं चलने दें। तो आज दमदमी माई किसको बनाया गया था? कौन आए थे? आज कोई आया था वहाँ पे? कौन लोग थे? क्या ये पता चला आप लोगों को कौन थे वो आज जो आए थे?